अब अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में भी खून की कमी या अनीमिया होने की चांसेस लगभग 60% बढ़ जाती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसिलीटर से कम है तो आपको अनीमिया है। कई महिलाएं हमारी ओपीडी में आकर पूछती हैं कि प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स लेनी ज़रूरी है और कब लेनी चाहिए ये टैबलेट्स। हाँ, आयरन की टैबलेट्स लेनी बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की नीड 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। इन टैबलेट्स को हम 3 महीने बाद स्टार्ट करते हैं। इन टैबलेट्स को लेना कैसे है? आयरन की टैबलेट्स ब्रेकफास्ट या सुबह के नाश्ते से 1 घंटे पहले लीजिए, जो कि खाली पेट होते हैं आप। इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ कैल्शियम की टैबलेट्स या चाय का सेवन ना करें। अनीमिया के दुष्प्रभाव माँ पर प्रेगनेंसी के दौरान व पश्चात दोनों में देखे जा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत होना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने में भी सांस लेने में दिक्कत होना या कॉन्स्टेंट हेडेक रहना या सरदर्द रहना हो सकता है। प्रेगनेंसी के पश्चात टांके सूखने में देर लग सकती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं व दूध आने में भी कम हो सकता है। जिन औरतों में खून की कमी प्रेगनेंसी के दौरान होती है उनके बच्चों में भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का होना, पीलिया या जॉन्डिस का होना, ICU एडमिशन या शीशे में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है व ये बच्चे समय से कमज़ोर होते हैं, जिन्हें IUGR कहते हैं, या इनकी डिलीवरी प्री टर्म डिलीवरी या समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए हमें अनीमिया नहीं होने देना चाहिए और अपने खान पान में हरी सब्जियां, फल, गाजर, चुकंदर, सोयाबीन, अनार, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अपने नज़दीकी डॉक्टर से बार बार जाकर मिलें और अपनी सारा इलाज डॉक्टर से करवाएं। जय हिंद।